सो दिस इज एक सिंपल सा एग्जांपल कि पढ़ना क्या होता है कि आई एम रीडिंग इट्स ओके आई हैव रीड ठीक है मुझे लगता है कि आई फील फॉर सम टाइम कि आई हैव रीड सो ये मेरे मेमोरी में आ चुका है बट मेन प्रॉब्लम इज कि आफ्टर रीडिंग व्हाट विल हैपन व्हेन आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इफ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी आई एम कैपेबल टू आंसर एट दैट टाइम और नॉट दिस इज द मेन कंसर्न एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग और लेते हैं सपोज ड्यूरिंग इफ अ पेशेंट ऑफ कम्स विद वोमिटिंग सो अ कॉमन क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट विल हैपन टू द ब्लड पीएच पीएच विल राइज और पीएच विल गो डाउन एंड सेम वे इफ पेशेंट इज विद डायरिया सो व्हाट विल हैपन पीएच विल राइज और फॉल ओके ना सो In case of vomiting, what happens to the pH? Rise. Okay? And in case of loose motion or diarrhea, pH will fall. Okay? Now, in case of any confusion, it's very simple. To vomiting mein khana kahan aata hai? Upar. In vomiting, the food will go up, so pH up. Or diarrhea mein? Okay? Na? So, main, ab kya ho raha hai? Just एक आपने यू हैव क्रिएटेड अ कोरिलेशन कि ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ा पढ़ लिया अब आगे क्या होगा सो नाउ एक तो क्या हुआ कि जब इस तरह का थोड़ा सा कहेंगे कि व्हाट वी कॉल लाइटर मूवमेंट्स आ जाते हैं कि ठीक है वोमिटिंग में फूड इज मूविंग अप डायरिया में फूड इज मूविंग डाउन तो थोड़ा सा क्या हो जाता है चेंज हो जाता है वी गेट अ चेंज तो आपको प्रेशर नहीं फील होता है हमको दिक्कत किससे है दिक्कत हमको प्रेशर से होती है हम किताब खोलते हैं हमको लगता है ओफो इतनी सारी चीजें हैं कैसे याद होंगी याद करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम चीजें आपके वर्ड्स में ही छुपी रहती है और अगर मैं पूछूं विच सब्जेक्ट इज क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू इन रिमेंबरिंग एवरीबॉडी नोज एंड नॉट मी फार्माकोलॉजी हाँ थर्ड ईयर में तो हुआ है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले हैं सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अगर हम लोग पूछेंगे कि विच सब्जेक्ट इज most difficult to know about 57-60% they always say sir anatomy क्यों so there is a lot of things to remember we are not able to mug up all the things and this that but और कोई difference नहीं होता जितने भी बच्चे select होते हैं only they have kind of association कोई ना कोई चीज सोच के चलते हैं कि हाँ इसको हम इस तरीके से याद कर लें और correlation कैसे बनता है कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई आया हमने बता दिया हाँ स्टार्टिंग में क्या होता है कि 10 12 20 30 टाइम्स वी कैन गिव सम एग्जांपल्स नाउ स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंस दैट कम्स इनटू योर हैबिट नाउ योर अप्रोच गेट्स चेंज्ड नाउ व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट सम सिंड्रोम और सम एनी टेक्निकल टर्म्स नाउ व्हाट हैपेंस नाउ यू स्टार्ट सीइंग इट इन अ डिफरेंट वे नाउ यू स्टार्ट ओ दीज आर द मेन सिम्टम्स हाउ कैन आई ऑर्गेनाइज देम इन सम मोर इजियर वे तो ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी दूसरे के ही कोरिलेशंस या दूसरे की चीजों को यूज करना होता है बट मेन चीज कंसर्न इज हैबिट और यही चीज नीट चाहे वो यूजी रहा हो चाहे वो नीट पीजी रहा हो सब में सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया था 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हमेशा क्या होती है वो सदा से एक ही रही है चाहे वो यूजी में हो चाहे पीजी में हो सर मैं पढ़ता बहुत हूँ आई डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट एग्जाम में मेरे मार्क्स नहीं आते ये सदियों से जैसे ना रघुकुल रीत सदा चली आई तो वो यही कि सर मैं पढ़ता बहुत आई रीड अ लॉट मैं बहुत घंटे पढ़ता हूँ बट वेन एवर इट कम्स टू एग्जाम आई एम नॉट एबल टू स्कोर एज पर माई कैलिबर प्रॉब्लम टू रीड इज डिफरेंट टू रिटेन इज टोटली डिफरेंट जब आप कोरिलेशन करते हैं चीजों को जोड़ते हैं तो आपके अगर हम साइंटिफिक टर्म पे भी बात करें वेन यू आर थिंकिंग ऑन अ सब्जेक्ट और वेन यू आर थिंकिंग ऑन समथिंग लाइक तो व्हाट हैपेंस सम न्यू न्यूरोनल कनेक्शंस आर डेवलप्ड तो यहाँ पे थोड़ा सा जब लोड पड़ता है तो न्यू न्यूरॉन्स आर नेवर क्रिएटेड बट व्हाट हैपेंस लॉट ऑफ साइनेप्सिस आर क्रिएटेड तो बेसिकली दैट क्रिएशन ऑफ साइनेप्सिस हेल्प्स इन रिटेनिंग द सब्जेक्ट तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो आप किसी भी सब्जेक्ट में चाहे वो एनाटॉमी हो फार्मा जो चीज भी याद नहीं हो रही है तो उसी के लिए बेसिकली हम लोग पढ़ाना देखो पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है ये मैं क्लियर कट बता दूं चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो अगर आपसे कोई पूछेगा आपका कल को सिलेक्शन होगा नहीं होगा इसमें 90% रोल आपका 90% यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन और फेलियर बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू जस्ट गेट अ डायरेक्शन कि हाँ वी हैव टू वर्क इन दिस मैनर तो ये थोड़ा सा आप में डिफरेंस क्रिएट कर देता है और एक अप्रोच होती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि
those who are getting selected what they are doing and those who are not getting selected what they were doing. अगर आप ये difference जान जाते हैं तो it's not a big deal. Thank you.